हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, स्वीट कॉर्न मक्का की रेसिपी। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो बिच्छू घास। और मैं घर पहुँच गई हूँ, मक्का को छिलने लग गई हूँ। मक्का छिलने का सिंपल सा तरीका, एक लाइन निकाल दीजिए और फटाफट मक्का छिल जाती है। देखिए मैंने एक लाइन निकाल दी थी, चाहे आप स्पून की मदद से निकालिए, हाथ की मदद से, मैंने हाथ से निकाली और पूरी मक्का छिल गई है। अब इसकी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया, उस पर ऑयल डाल दिया, ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल लगभग गर्म हो गया तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा चटकने के बाद मैं इसमें मक्का डाल दूँगी और इसे चला लूँगी। और इसमें जो भी मसाले मैं डालूँगी वो घर ही के डालूँगी, स्वाद के अनुसार। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ये मैंने जीरा और धनिए का घर पर मसाला बना के तैयार कर रखा था। घर की मिर्ची है और घर की ही हल्दी है। इन सबको इस पर डाल के थोड़ी देर ढक्कन लगा दूँगी, 1 मिनट। अब 1 मिनट लगभग हो गया, मैं एक बार देखूँगी कितने पक चुके हैं। ये हाफ कुक हो गए। इस टाइम पे इसमें मैं एक नींबू ऐड कर दूंगी, ये है। और मैं अब इसे चला लूँगी और आधे मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी। अब मैं ढक्कन उठा रही हूँ, आधा मिनट लगभग हो गया। देखिए ऑलमोस्ट कुक हो गया, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और देखिए कितनी अच्छी बनी है ये। आप भी बनाना और ट्राई करना और मुझे बताना कैसी बनी।